नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से निकलकर आ रही है, जहां पर सहारा के रीजनल मैनेजर को जो निवेशक है उन्होंने बंधक बना लिया है। बंधक बनाया गया इस मामले को लेकर कि मैच्योरिटी पूरा होने के बावजूद जो ग्राहक है उनको पैसे नहीं दिए गए। आपको बताते चले कि सहारा इंडिया के कई स्कीमों में जो गरीब जनता है, जो आम लोग हैं, उनके पैसे हैं, उन्होंने अपनी गाढ़ी मोटी कमाई जो है सहारा इंडिया को भरोसे पर दिया था। लेकिन आज जब सहारा इंडिया अपना कदम पीछे ले रहा है तो लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। और इसी गुस्से के कारण अब मुजफ्फरपुर के जो रीजनल मैनेजर है सहारा इंडिया के, उनको लोगों ने बंधक बना लिया था। आपको बताते चले कि मुजफ्फरपुर जिले के अखाड़ा घाट बांध रोड में देर रात सहारा इंडिया के रीजनल मैनेजर प्रवीण कुमार सिन्हा को ग्राहकों ने बंधक बना लिया। वे बाइक से ऑफिस का काम समाप्त कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान कुछ ग्राहकों की नजर उन पर पड़ी। उन लोगों ने रीजनल मैनेजर का घेराव कर लिया, उनकी बाइक की चाबी निकाल दी। देखते देखते सैकड़ों की संख्या में ग्राहक एकजुट हो गए, हल्ला हंगामा करने लगे, आरएम को बंधक बनाकर उनसे रुपए देने की मांग करने लगे। स्थानीय लोगों ने बताया कि 40 से 50 लाख रुपए अभी भी बकाया है। सबने अपने जीवन भर की कमाई से बचाकर रुपए जमा किए थे, लेकिन जब मैच्योरिटी पूरी हुई तो पैसे का भुगतान जो है नहीं किया गया। एक दूसरे पर थोपने लगे और साथ ही एजेंट भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। इसी बात को लेकर ग्राहक जो है काफी आक्रोशित है। इधर घटना की सूचना मिलने पर सिकंदरपुर ओपी पुलिस की गश्ती गाड़ी से एक पदाधिकारी और चार सिपाही मौके पर पहुंचे। उग्र लोगों को समझाकर बंधक बने आरएम को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने पुलिस की एक नहीं सुनी, जमकर नोकझोंक होने लगी। पुलिस पदाधिकारी पीछे हट गए, फिर थाना से अतिरिक्त पुलिस फोर्स जो है वो बुलाया गया। हालांकि देर रात तक कोई भी समझने को तैयार नहीं है, जमकर हंगामा हो रहा था। अतिरिक्त फोर्स बुलाने की कवायद भी की जा रही थी। फिलहाल जो आरएम की अगर बात करें तो कल रात से ही वो बंधक बने हुए हैं। पीड़ित ग्राहक महिला कला देवी ने बताया कि वो विधवा है, 40,000 रुपए सहारा इंडिया में बकाया है, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि उनके जैसे कई लोग हैं जिनका 1,00,000 रुपए से अधिक बकाया है। ऑफिस जाने पर कर्मचारी व पदाधिकारियों के द्वारा रुपए जल्द मिलने का आश्वासन तो दिया जाता है, लेकिन आज तक 1 रुपया नहीं मिला। इसी से लेकर आज रीजनल मैनेजर का घेराव किया गया है। साथ ही बंधक बनाए हुए और पीड़ित महिला ने बताया कि नगर थाना पुलिस पदाधिकारी के आश्वासन पर छोड़ा गया। इधर मौके पर पहुंचे नगर थाना के दरोगा रंजन कुमार ने बताया कि सहारा इंडिया के रीजनल मैनेजर को बंधक बनाया गया था। किसी तरह समझा बुझाकर रीजनल मैनेजर को भीड़ से निकालकर थाना लाया गया है। आज यानी कि गुरुवार को सभी को थाने में पूरी कागजात लेकर बुलाया गया है। बड़ी अधिकारियों के निर्देश पर आगे की जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो अभी फिलहाल ये खबर है कि जो रीजनल मैनेजर है, जो आरएम है, उनको छुड़ा लिया गया है। पहले जो पुलिस की गश्ती जाती है वो छुड़ाने की कोशिश करते हैं, जब उनसे लोग नहीं मानते हैं अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया जाता है, बड़े बड़े पदाधिकारी आते हैं और उसके बाद लोगों को समझाया जाता है। ये सारा जो क्रम है वो देर रात तक चलता है और अंत में देर रात तक जो है आरएम को छुड़ाकर थाना लाया जाता है। ऐसे में जो लोगों का गुस्सा है वो कहीं ना कहीं वो फूट रहा है। अब लोगों का गुस्सा जो है चरम सीमा पर पहुंच गया है कि लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई सहारा को दी थी और आज जब उन्हें पैसे नहीं मिल रहे तो वो किसी भी तरीके से सहारा से बस अपने पैसे निकलवाना चाहते हैं। लेकिन आपकी राय क्या है इस बारे में हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं बिहार इंसर्ट्स। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।